गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम मैथ्स की क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एडिशन को लेते हैं। बोलो एडिशन। एडिशन। एडिशन किसको बोलते हैं? जमा को। जमा करने को या जोड़ने को, चीजों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमने ये ग्रिड्स बनाए हैं, नंबर ग्रिड्स। क्या बनाए हैं? नंबर ग्रिड्स। और लिए हैं पेबल्स। क्या लिए? पेबल्स। ये छोटे छोटे कंकर पत्थर लिए हमने, इनकी मदद से इन ग्रिड्स में डाल के जो बॉक्सेस बनाए हैं, तो हम आसानी से आराम से एडिशन को समझ सकते हैं। किसको समझ सकते हैं? एडिशन को। तो हम पहले नैतिक, आप उठाओ पेबल्स और काउंट करके एक वन बाय वन, एक एक काउंट करके इन बॉक्सेस में डालो। उठाओ, चलो एट काउंट भी करो साथ साथ में, जोर से। आठ, एट डालो। दूसरे ग्रिड में राघव आप डालो सिक्स, जोर से। कितने आए? गुड। अब सारे गिनो ये कितने हो गए नैतिक, अब ये सारे गिनो ग्रिड वन में, इनिशा का ग्रिड, राघव का ग्रिड गिनो। वहां से काउंट करो या यहाँ से काउंट करो? करो काउंट, सारे कितने हो गए? तो 14, तो कितना आ गया? 14। लिखो यहाँ पे 14। तो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। सबको समझ आ गया? Yes, sir। तो ये हो गया नंबर ग्रिड की हेल्प करके, हेल्प से, और पेबल्स हमने लिए, इनकी हेल्प से हमने क्या सीखा? क्या सीखा? जमा का। वर्ड। तो जमा को क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? बिल्कुल इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं। क्या करना, हमने एक ग्रिड में हमने पेबल्स डालने और दूसरे में, ठीक है, तो फिर हम उसी तरह से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? थैंक यू। बोलो थैंक यू। थैंक यू।